आज हम बनाएंगे राज कचौरी चाट, एकदम करारी, चटपटी और चटकारेदार, एकदम मार्केट स्टाइल। जिस तरीके से दुकान पे मिलती उसी तरीके से हम राज कचौरी चाट बना के तैयार करेंगे और ये एकदम फ्लेवरफुल होगी और एक एक बाइट में अलग अलग फ्लेवर होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। तो नमस्कार, मैं हूँ राधिका किराड, मेरे चैनल राधिका किराड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक परात लेंगे और उसमें लेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने एक कप बारीक वाली सूजी ली है और उसी के साथ में हम डालेंगे आधा कप मैदा। जितनी हमें सूजी लेनी है उसका आधा मैदा डालना है, ज्यादा मैदा नहीं डालना है, नहीं तो आपकी कचौरी जो बाद में मुलायम पड़ जाएगी। और इसलिए मैदा की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, जिसमें हमारी कचौरी में येलोपन आएगा। जिस तरीके की मार्केट में मिलती है उसी तरीके की कचौरी बनके तैयार होगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो ही लगाना है क्योंकि सूजी बाद में फूल जाएगी तो फिर कड़क हो जाएगा, तो इसलिए इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका एकदम सॉफ्ट डो लगा लिया है और इसे 3-4 मिनट हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे। देखिए मैंने इसे 3-4 मिनट मसल लिया है। अब इसे हम गीले कपड़े से ढक के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे हम आधा कप बेसन, बारीक वाला बेसन लेना है। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें इसके अंदर डालना है, फिलिंग के अंदर, डो के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। और एक छोटी चम्मच हम डाल देंगे तेल या घी और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका हमें एक घोल बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर हमें इसका एक स्टिकी घोल बनाना है, तो नहीं ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा मुलायम, इस तरीके का हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। अब इसे भी ढक के हम साइड पर रख देंगे। अब हमारे आटे को हम चेक कर लेते हैं। तो आटे को रेस्ट करते हुए भी 10 से 15 मिनट हो गए और ये देखिए अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब इसे हम एक बार और 2-3 मिनट अच्छी तरीके से मसल लेंगे, जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इसे 2-3 मिनट मसल लिया है और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब आटे में से हम नींबू के बराबर की लोई ले लेंगे और उसे गोल कर लेंगे और दोनों हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा लगा के गोल करते जाएंगे, जिससे इसमें बीच में कटोरी नुमा शेप बनता जाएगा, जिससे इसमें स्टेपिंग बनना आसान होगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसे उंगलियों से प्रेस कर लिया है। अब इसमें बचे हुए आटे को हम वापस ही ढक देंगे और इसमें हम स्टेपिंग भरेंगे। तो स्टेपिंग हमें ज्यादा नहीं बननी है, थोड़ी बननी है और इसे हम सील कर देंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से इस तरीके से पकड़ के स्टेपिंग को नीचे दबा देंगे अंगूठे से और इसे हम सील करते जाएंगे। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सील कर दिया है और बचे हुए आटे को हम इस तरीके से घुमा देंगे। या तो आप इसे निकाल दीजिए या फिर इसी के अंदर सील कर दीजिए। अब दोनों हाथों से हम इसे थोड़ा थोड़ा चपटा लेंगे। ये देखिए हमने इसकी लोई बना के तैयार कर ली है। अब इसमें सूखा आटा डस्ट करके हम इसकी पूरी बेल लेंगे। तो हमें यहाँ पर इसकी पूरी ज़्यादा थिक भी नहीं बेलनी है और ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है, मीडियम साइज की पूरी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमें इतनी मोटी पूरी बेल के तैयार करनी है। अब इसे हम साइड पर रख देंगे और एक और हम पूरी बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी एक और पूरी बेल के तैयार कर ली है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की प्रोसेस में। तो गैस पे मैंने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इस कचौरी को फ्राई करने के लिए हमें मीडियम तेल गर्म चाहिए, ना ही ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा कम। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक कचौरी डाल देंगे और डालने के बाद में इसे हम झारे से इस तरीके से दबाते जाएंगे, जिससे ये एकदम फूली फूली बनके तैयार होए। तो ये देखिए हमारी कचौरी एकदम फूल गई है। और जब कचौरी फूल जाए तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इस पर हम लगातार तेल डालते हुए अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे या फिर इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए हमने कचौरी को अलटते पलटते अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और हमारी ये कचौरी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार है। और अब इसे हम एक जाली पर निकाल देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दूसरी वाली को भी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो देखिए झारे से इन्हें लगातार दबाते जाएंगे, जिससे हमारी कचौरी एकदम फूली फूली बनके तैयार होगी। तो ये देखिए हमारी सारी कचौरियाँ एकदम फूली फूली बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए मैंने सारी कचौरियाँ इसी तरीके से बना के तैयार कर ली है और देखिए सारी कचौरियाँ हमारी एकदम क्रिस्पी और फूली फूली बनी है। तो
आप भी सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी कचौरी भी एकदम क्रिस्पी और फूली फूली बनके तैयार होगी। देखिए एक एक कचौरी फूली हुई है, अब इसकी स्टेपिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में हम डालेंगे उबले हुए आलू। मैंने 2 से 3 आलू को पहले से उबाल के रखा है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। और सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा आलू की स्टेपिंग तो बनके तैयार है। अब कचौरी के लिए हम एक और स्टेपिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे 1 कप उबले हुए काबुली चने और इन्हें मैंने रात भर भिगो के 7 से 8 सीटी लगा लिए। अब इसके साथ में हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 कटोरी उबले हुए हरे मूंग, इनको भी मैंने रात भर भिगो के इनमें 1 सीटी लगा लिए। अब इसमें कुछ चटपटे से मसाले डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे और इसे हम खट्टा करने के लिए इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। तो ये हमारे चाट के लिए फिलिंग बनके तैयार है। और इसमें आप चाहे तो आपकी कोई भी मन पसंदीदा चीज ऐड कर सकते हो, जैसे काले चने या फिर मूंगफली के दाने, जो भी आप चाहे इसमें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक कचौरी लेंगे और ऊपर से इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो देखिए तोड़ने में लग रहा होगा ना आपको कि कितनी क्रिस्पी हमारी कचौरी बनके तैयार हुई है। तो देखिए मैंने इसे ऊपर से तोड़ लिया। अब इसमें डालेंगे हम आलू की फिलिंग। तो सबसे पहले हम इसमें आलू की फिलिंग डाल लेंगे और इसके बाद में हम डालेंगे दूसरी वाली लेयर। ये देखिए इस तरीके से इसको हम अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम नमकीन। तो नमकीन आप कोई से भी ले सकते हो या फिर भुजिया या रतलामी, जो से भी आपको पसंद हो आप वो नमकीन ले सकते हो। देखिए इस तरीके से हम इसमें स्टेप कर लेंगे और आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हो। मैंने इसमें प्याज नहीं ऐड किए हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप प्याज भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे ऊपर से ग्रीन वाली चटनी, रेड वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब चाट का मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे दही। तो इसमें हम खूब सारा दही डाल देंगे। तो ये हमारी एकदम क्रिस्पी और चटकारेदार ये हमारे राज कचौरी बनके तैयार है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल राधिका किराड़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हो एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।